कमलेश कुमार कमलेंगू, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज पड़वा में जमशेदपुर। आज हम लोग यूजी सेमेस्टर 5 के डीएससी कोर्स में उपस्थित हैं। इस कोर्स जो है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव डीएससी 1A, इसमें हमको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ यूरोप, जिसमें पढ़ना है हमको 1789 से 1939, 1789 से 1939। इस पेपर में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं फ्रांस की क्रांति पर। इसमें हम पढ़ेंगे कि फ्रांस की क्रांति के कारण क्या था, फ्रांस की क्रांति किस परिस्थिति में हुई, इसके पहले यूरोप महादेश की स्थिति क्या था, फ्रांस की में पुरातन व्यवस्था क्या था, किस तरह से पुरानी प्रथा चली आ रही थी। तो अगर हम फ्रांस की क्रांति पर जब हम चर्चा करते हैं, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि यह क्रांति पूरे विश्व की मानव समाज की एक युगांतकारी घटना थी, एक महान घटना मानी जाती है यह फ्रांस की क्रांति। इसलिए इस क्रांति के द्वारा दुनिया में 3 शब्दों का प्रचलन हुआ। राष्ट्रीयता की बात हम करते हैं तो इसमें हम समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व, ये 3 शब्द आया, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, ये फ्रांस की क्रांति से उत्पन्न हुआ। फ्रांस की क्रांति पूरे निरंकुश राजतंत्र को समाप्त करने में सबसे अहम भूमिका निभाया। उसके बाद इसमें राष्ट्रीयता और उदारवादी प्रवृत्ति का समावेश हुआ। फ्रांस में पूरी तरह से निरंकुश राजतंत्र व्याप्त था, पादरी लोग तरह तरह के अत्याचार कर रहे थे, मध्यम वर्ग के लोग जो केवल मुख दर्शक बन के देख रहे थे। तो यह स्थिति थी कि जब फ्रांस में जब निरंकुशता की स्थिति उत्पन्न हुई, जब चारों तरफ वैमनस्यता की स्थिति उत्पन्न हुई, असमानता की स्थिति उत्पन्न हुई, तो ऐसी परिस्थिति में फ्रांस में क्रांति हुआ। और इस क्रांति में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि पूरे जब यह क्रांति जब हुई है तो यह केवल शस्त्रों की ही क्रांति नहीं थी, ये विचारों की भी क्रांति थी। केवल इसमें शस्त्र की युद्ध की बात नहीं हुई, इसमें कई बौद्धिक लोगों ने, कई दार्शनिकों ने इस क्रांति में योगदान दिया। और इस क्रांति में रूसो, मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर, दांते, नेकर जैसे लोगों ने भाग लिया। और इस क्रांति को लुई सोलमा के विरुद्ध में इस क्रांति को एक मुकाम पर पहुँचाया। तो इन क्रांतियों की स्थिति पर सबसे पहले जब हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि क्रांति को इस तरह से जनता में जो असंतोष आ गया था, एक असंतोष घनीभूत हो गया था, वह इस क्रांति को जन्म दिया। अगर हम कहें तो फ्रांस की क्रांति के लिए बहुत सारे कारण थे जिस पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें पहला कारण हम देखते हैं राजनीति कारण, पॉलिटिकल काउच, क्योंकि क्रांति बिना कारण का कोई भी जो घटना घटती है तो उसके कुछ ना कुछ कारण होते हैं। और उन कारणों में देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में हम देखें तो फ्रांस में लोगों के मन में गहरा असंतोष फैल गया था, और इस असंतोष ने फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। दुनिया में कई देशों में स्थिति खराब थी, लेकिन 1789 में सबसे पहले जो क्रांति हुआ वह फ्रांस में हुआ। इसका राजनीतिक कारण जो था, सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था, और इसमें हेनरी चतुर्थ जब फ्रांस का निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किया था, और वह बुर्बो वंश का पहला राजा था। तो निरंकुश राजतंत्र में जो था, इसमें उसका कहना था, हेनरी जो शासन था फ्रांसीसी राजतंत्र का, जो लुई फोर्टीन जब गद्दी पर बैठा तो वह कहता था मैं ही राज हूँ, I am the state। जब लुई सोलहवां गद्दी पर बैठा तो वह कहता था मेरी इच्छा कानून है, मैं जो कहता हूँ वह कानून है। इस तरह से जनता में निरंकुशता की स्थिति फैला हुआ था। और लुई पंद्रहवां अगर कहें तो यह जो 1715 से 1774 ईस्वी तक रहा, वह बिल्कुल एक निष्क्रिय शासक था। उसकी स्थिति जो उस समय थी विलासी था, अस्थिर विचारों का था, जबकि परिस्थितियां थी ऐसे शासकों का होना जो उस समय के कठिन परिस्थितियों को संभाल सके। और हम देखेंगे लुई सोलहवां 1774 ईस्वी में वह गद्दी पर बैठा लुई सोलहवां,
और अगर कहें कि फ्रांस का पतनशील राजतंत्र अपना गौरव और अपनी शक्ति को बिल्कुल खो चुका था, ऐसी परिस्थिति में लुई सोलमा फ्रांस के गद्दी पर बैठा। अगर कहें तो ऐसे संकट काल, ऐसा जो संकट का समय था जिस समय वह 1774 में लुई सोलमा गद्दी पर बैठा, एक ऐसे शासक की जरूरत थी जो हेनरी चतुर्थ जैसे शासक की जरूरत थी, लेकिन वह बिल्कुल अपने वर्सा के शीश महल में रहता था और वह पादरियों से गिर्द गिर्द से घिरा रहता था। उसको उस समय जो जनता परेशानी, जनता जो परेशान थी, जो संकट में थी, उससे उसको बिल्कुल वह उससे दूर था, कोई वाकिफ वह रखता नहीं था इन लोगों की कठिनाइयों से। और उसमें सजनता तो थी, लेकिन राजा के जो आवश्यक गुण जो होना चाहिए था उसमें उसका बिल्कुल अभाव था, वह गुण उसमें नहीं था। और उसकी जो धर्मपत्नी थी मेरी एंटोइनेट, वह भी एक विलासी चरित्र की थी, वह काफ़ी खर्चीली थी, जबकि फ्रांस की स्थिति में उस समय काफ़ी कर्ज में था, $60 करोड़ कर्ज में था। उस परिस्थिति में मेरी एंटोइनेट के करीब 20,000 से ज़्यादा नौकरानी थी जो उसके कार्यों में हिस्सा लेती थी। अगर हम बात करें तो शासन जो था वह सामाजिक, जो हम बात करते हैं राजनीतिक कारण में, सबसे बड़ा जो था दोषपूर्ण शासन व्यवस्था था। कर अलग अलग तरीका से लिया जाता था, कर हर तरह से कर वसूला जाता था। सामंत वर्ग, पादरी वर्ग, जो चर्च वर्ग थे, वह फ्रांस की प्रशासन व्यवस्था इतनी उत्पीड़क थी कि फ्रांस क्रांति में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। मतलब अगर कहें तो प्रशासनिक व्यवस्था में दोषपूर्ण जो था उसकी शासन व्यवस्था थी। अर्थात उसमें अगर बात करें तो अगर बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा है कि कर प्रणाली इस तरह से बदल जाता है जैसे यात्री घोड़ा को बदलता है, यात्री जाता है रास्ते में घोड़ा बदल लिया, इस तरह से कर हर स्थान पर बदलते रहता था, अलग अलग तरीका से कर लिया जाता था। जनता को सत्ता के इस केंद्रीकरण से आप देखते हैं कि अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था। तो इस तरह से, और उसमें पक्षपातपूर्ण कर व्यवस्था भी था, पक्षपातपूर्ण कर में अनेक बाधाएं आती थी, अनेक तरह के हम देखें बाधाओं से आर्थिक प्रशासन भरा हुआ था, जनता में रोष था। क्योंकि आप इसमें देखते हैं क्रांति से पूर्व जो था ऋण जो था पूरे फ्रांस पर $60 करोड़ तक पहुंच गया था, और अब जिस तरह से अपनी आय का हम देखें तो 80% निर्धन वर्ग करों में ही अपना दे देता था, वर्ग कर में ही दे देता था। यानी एक व्यक्ति का अनुमान किया गया है तो उस समय 81% कर लोग कर में दे देते थे अपनी आमदनी का, 81%। तो इस तरह से लोगों में अत्यंत अत्याचारपूर्ण स्थिति उस समय व्याप्त था, और लोगों ने उस समय इस परिस्थिति से उबकर फ्रांस की क्रांति करने का मन सोचा। दूसरा हम देखते क्या है कि दूसरा हम चलते हैं तो सामाजिक कारण पर। सामाजिक कारण में कई वर्ग बटा हुआ था, उसमें हम देखते हैं सामंत वर्ग था, पादरी वर्ग था और मध्यम वर्ग था। ये वर्गों में इस तरह से बटा हुआ, जिस तरह से बात करेंगे तो सामंत वर्ग फ्रांस के कुल आबादी का 1% था, पूरे आबादी का 1% सामंत वर्गों का था। अगर हम कहें तो सेना प्रशासन में उन्हें उच्च स्थान प्राप्त थे, उस समय के सैनिक जो शक्तियां थी उस पर सामंत वर्ग का दबदबा था, और फ्रांस की 1/5 भूमि जो थे वह सामंत उसके स्वामी थे, सामंत वर्ग का लोगों का 1/5 भूमि पर अधिकार था। तो इस तरह से हम देखते क्या है कि प्रांतीय शासन जागीरों में रहते थे, और ये सामंत जो थे अपने शासन करने की व्यवस्था में, प्रांतीय सामंत जो थे वो जागीर में, प्रांतीय सामंत जागीरों में रहते थे, उनको जागीर मिलती थी। तो इस तरह से पादरी वर्ग जो थे इनकी संख्या भी 1% से कम थी, और ये तरह तरह के अत्याचार करते थे। ये वर्ग जो है जनता को कहते थे कि तुमको स्वर्ग दिला देंगे, उस नाम पर भी कई धन संपत्ति का लूट करते थे, कई तरह के लोगों से पैसा लेते थे और उसके बदले में कहते थे तुमको हम मुक्ति दिला देंगे, मुक्ति पत्र बांटते थे ये लोग। तो ये घोर अत्याचार की व्यवस्था, अनाचार की व्यवस्था फैल गई थी फ्रांस में, और इससे लोग उब गया था। और उसमें जन सामान्य या हम तृतीय श्रेणी कहेंगे, इसमें जो था मध्यम वर्ग था, तृतीय श्रेणी में फ्रांस की बहुसंख्यक जनता थी। और अगर कहें तो इस वर्ग में मध्यम वर्ग, धनी व्यापारी वर्ग, शिक्षित वर्ग और कृषक और शिल्पकार भी इसी वर्ग में आते थे। कृषक और शिल्पकार
इस वर्ग में थे उन पर राज्य के समस्त करों का भार था। इन्हीं वर्गों पर पूरे राज्य का कर देना पड़ता था। सामंत वर्ग को कर देना नहीं था और पादरी वर्ग जो थे वह कई तरह के करों से छूट थे। उसके पास भूमि तथा करों का लगभग 10 करोड़ डॉलर वार्षिक आय आता था। तो इस तरह से हम देखते क्या है कि आर्थिक कारण, हम दो कारण देखे, राजनीतिक कारण और सामाजिक कारण, जो वर्गों में बटा हुआ था, समाज कई वर्गों में बटा था। और लास्ट में हम अंतिम में देखते हैं कि आर्थिक कारण जो था, राज आर्थिक संकट में पड़ा हुआ था। राज का आर्थिक दिवालियापन फ्रांस के क्रांति का अगर कहें तो तत्कालीन कारण था, क्योंकि यह उचित कहा भी गया है कि क्रांति के मूल में वित्तीय कारण थे। और इस तरह से वहां पर दूषित कर प्रणाली थी, कर प्रणाली जो थी वह विभिन्न तरहों से लोगों से लिया जाता था और प्रतिगामी और विशेषाधिकारों पर यह व्यवस्था आधारित थी। और चर्च और सामंत वर्ग को जागीर तथा भूमिकर, सामंत और जागीरों को भूमिकर से मुक्त रखा गया था। तो इस तरह से अगर हम देखें कि अति अपव्यय दरबार, दरबार की बात अगर करें तो लुई सोलमा मेरी एंटोनेट अपने ऊपर काफी खर्च कर रहे थे। जिस समय उसके आर्थिक मंत्री नेकर ने इस बात का कहा था कि स्थिति बहुत खराब है, हम अपने जो कर्मचारी हैं उनको भी वेतन नहीं दे पा रहे हैं, वे आर्थिक मंत्री था नेकर। तो इस तरह से वहाँ अति अपव्यय दर से रानी मेरी एंटोनेट के आभूषण, वस्त्र, श्रृंगार साधन अगर कहें तो अपरिमित धन व्यय किया जाता था। तो इस तरह से अगर युद्धों पर व्यय था, युद्ध काफी लड़ा गया, लुई चौदहवा भी 4 युद्ध लड़ा था, उसने युद्ध पर काफी अपव्यय किया। लुई सोलमा फ्रांस अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में अनावश्यक रूप से भाग लिया था, उसमें काफी खर्च हुआ, इसे कर बढ़ते गया और बोझ बढ़ते गया। तो इस तरह से सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पर हम देखते हैं कारणों की चर्चा जब करते हैं तो उसमें एक बड़ा वर्ग जो है बौद्धिक क्रांति, जिस वर्ग में हम बात करते हैं तो दार्शनिकों ने इस बात को और जो है सो उजागर किया, जिसमें की बात हम करते हैं रूसो का, उसका किताब था द स्पिरिट ऑफ लॉ, कानून की आत्मा। वह स्पष्ट रूप से रूसो ने किताब लिखा सामाजिक संविदा का सिद्धांत। वह एक ऐसा विचारक था जिसने कि स्पष्ट रूप से कहा कि हम तो जन्म तो लेते हैं लेकिन हम चारों तरफ बंधन में जकड़े रहते हैं, चेन में जकड़े रहते हैं। वोल्टेयर जो एक ऐसा दर्शन शास्त्री था, वोल्टेयर जिसको कि उसको वोल्टेयर को कहा जाता था राज, उसे उसने जो उस समय की परिस्थितियों का वर्णन किया था तो उसे वर्णन, परिस्थितियों के वर्णन करने में उसने एक रचना की थी जिसका नाम था लेटर्स फिलोसफिक्स। उसे वह बौद्धिक स्वतंत्रता का महान समर्थक था जिसके कारण उसे राजा वोल्टेयर भी कहा जाता था। तो वोल्टेयर भी थे, उसमें बात करेंगे तो बौद्धिक मोंटेस्क्यू जिसका कि काल है 1689 से 1755, और मोंटेस्क्यू की पहली रचना थी पर्सियन लेटर्स, पर्सियन लेटर्स। तो इस तरह से बौद्धिक क्रांति, इसीलिए एक बार नेपोलियन भी ने कहा था कि न रूसो होता न फ्रांस की क्रांति होती। तो इस तरह से बौद्धिक क्रांति भी फ्रांसीसी बौद्धिक मतलब फिलोसफर दार्शनिकों ने जो वस्तु स्थिति थी उसको बढ़ाया। एक बात से अनुमान, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि रूसो द्वारा लिखी जो सोशल कंट्रैक्ट था, सामाजिक संविदा का सिद्धांत, वह एक रात में उसकी 20,000 प्रतियां बिक गई। तो इस तरह से चारों तरफ फ्रांस की स्थिति को देखा गया कि बिल्कुल वहां पर राजा लुई सोलमा थे उसके समय में स्थिति बहुत बदतर हो गई, जनता के पास कोई साधन बचा नहीं था क्रांति के अलावा, लोग उब चुके थे और फ्रांस की क्रांति करने के लिए लोगों ने अपने कारणों का, कुछ वहाँ की परिस्थितियों का सहारा लिया, जिसमें हमने देखा कि राजनीति, सामाजिक और आर्थिक कारण वहाँ मौजूद था। चर्च काफ़ी भ्रष्ट हो गया था, धार्मिक रूप से भी हुआ, धार्मिक रूप से हुआ, लोगों से काफ़ी घूस लेने लगा था, यानी पैसा लेन देन करने लगा था, जिससे जनता भी परेशान हो गई थी। और अंत में जाकर जब दार्शनिकों ने भाग लिया और रूसो मोंटेस्क्यू जैसे लोगों ने अपनी किताबों के जरिए समाज में एक नया आयाम दिया, लोगों ने कहा कि सत्ता को बदलना जरूरी है, नहीं तो फ्रांस को बचाना मुश्किल होगा, जनता की आर्थिक दिवालियापन पर जनता खड़ा हो गई थी और जनता ऐसी परिस्थिति में फ्रांस का क्रांति प्रारंभ हुआ। तो इस क्रांति में हमने देखा कि किस तरह से कारणों के साथ बौद्धिक क्रांति भी हुआ
और कहते हैं जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। दार्शनिक लोगों ने अपने नजरियों के द्वारा फ्रांस के परिवेश को बदला और जनता वहां की बरसाए के शीश माल को भेजने की तैयारी में लगा और लुई 16वां के शासनकाल में यह क्रांति हुआ। धन्यवाद।